Can you hear me, all of you? Yes, can you? Okay. Yes, sir. Yes. So is this visible to you all? ये आपको दिखाई दे रहा है? Yes. हमने कल डिस्कस किया था कि NMR स्पेक्ट्रम में कौन सा कंपाउंड एंड डिफरेंट ग्रुप्स कहाँ पर अपीयर होते हैं, उनकी टेंटेटिव वैल्यू क्या होती है, वो हमने कल डिस्कस किया था। आज कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम। उनमें एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप इन देम, जो एक प्रिस्क्राइब्ड रेंज में आता है। ये एल्डिहाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, जो सी एच ओ फंक्शनलिटी का हाइड्रोजन है, ये कहाँ आता है? ये 9 to 10 आता है। तो आपको ये याद करना है, दिस अपीयर बिटवीन, अगर कोई भी स्पेक्ट्रम में अगर डाटा दिया है, अगर उसमें दिया है कि एक प्रोटॉन 9 to 10 में अपेयर हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन है जो कि डाउन फील्ड में जाता है और हाईली डी शील्डेड होता है। और हमको रीजन पता है कि उसमें एनिसोट्रॉपी होती है। हमने डिस्कस किया है कि एनिसोट्रॉपी में ये प्रोटॉन जो है पैरामैग्नेटिक रीजन में जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा जाती है। ये हमने देखा है, ठीक है। बाद में जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन जो कि सी एच ओ को अटैच होता है, उसकी रेंज कहाँ तक होती है? अराउंड 2 समझना है। एक बात आप याद रखिए, वो प्रोटॉन या वो प्रोटॉन का ग्रुप, इसकी सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच, जब sp2 कार्बन को अटैच्ड होता है, सिंपल याद रखिए, जब भी CH3, CH2, CH, CH2 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, CH2 ग्रुप, मिथिलीन ग्रुप एंड CH ग्रुप, मिथाइन ग्रुप, ये sp2 कार्बन को अटैच होते हैं ना, तो उसकी रेंज एक याद रखिए आप, 2 से 2.5 बस ये रेंज में आते हैं मैक्सिमम। मैंने माइनस प्लस आप कर सकते हो, 0.2 2 to 2.5 याद रखिए, ये क्रूड वैल्यू है। अब कपलिंग बिहेवियर देखिए, ये जो कपलिंग है ये एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप के हाइड्रोजन की और अल्फा हाइड्रोजन की, वो होती है 3J कपलिंग, क्योंकि उनके बॉन्ड में डिस्टेंस कितना होता है? 3 बॉन्ड डिस्टेंस होता है दो हाइड्रोजन के बीच में। यू इट मीन्स दैट ये प्रोटॉन जो सी एच ओ का है वहाँ से लेकर ये अल्फा कार्बन का H, इनके बीच में 3 बॉन्ड डिस्टेंस होता है, इसलिए ये 3J कपलिंग देते हैं। ओके, एंड ये वैल्यू बहुत कम होती है। सेम एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में, हम आगे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये जो H है F, सबसे हाईएस्ट जाते हैं, देखो 9 और 10 के बीच में। हमको एक क्रूड वैल्यू याद रखना है, और क्या देगा वो? यस, इसके नेबर में कोई कार्बन है, यस, ये सी एच ओ को ये नेबर है, डी वाला, और उस डी में कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है, इसलिए N+1 रूल से ये इसको कपल होगा, और एल्डिहाइडिक प्रोटॉन N+1 से डबलेट में क्या होगा? स्प्लिट होगा। ये हमको पॉइंट समझना है। यस, फिर हम लेते हैं सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू में आएगा वो कौन सा प्रोटॉन है, ये A या B, ये हमको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एक पॉइंट तो हमने समझ लिया है कि CHO के प्रोटॉन के बारे में समझ लिया हमने कि वो कहाँ जा रहा है, वो डबलेट में जा रहा है। यस समझा है ना? यस कैसे? बाय एन प्लस वन रूल, उसके नेबर में क्या है, एक उसके नेबर में प्रोटॉन है। फाइन यस, इसलिए वो कहाँ पे जा रहा है, डबलेट में जा रहा है। और उसका जो नेक्स्ट अल्फा कार्बन है उसको हमने डी लेबल किया है, उसको कितने नेबर से, देखिए ये दो नेबर है, ये तीन नेबर है और एक नेबर है, तो यानी मल्टीप्लेट आएगा। डी प्रोटॉन्स कहाँ, ये आया मल्टीप्लेट, देखिए यानी बहुत सारी लाइन्स आएंगी उसकी, है ना? इसलिए उसको मल्टीप्लेट्स बोलते हैं। उसी तरह सिमिलरली इफ यू थिंक अबाउट सी, सी इज ऑल्सो हैविंग मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, थ्री हेयर वन हेयर, एंड देयर फॉर इट ऑल्सो स्प्लिट एंड गिव्स लाइक दिस मल्टीप्लेट। उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है ना ये स्पेक्ट्रम में, क्योंकि हमने देखा है कि एज द नेबरिंग प्रोटॉन्स इंक्रीजेस ये मल्टीप्लेसिटी बढ़ जा रही है। एंड ए बी में ए का क्या होगा, सबसे कम आएगा। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज वेरी सिंपल दैट, क्योंकि ए जो अटैच्ड है वो CH2 को अटैच्ड है, और इसमें जो बी अटैच्ड है, बी CH को अटैच्ड है, अल्फा कार्बन को अटैच्ड है। तो क्वेश्चन ये है कि ए और बी में सबसे ज्यादा या हायर केमिकल शिफ्ट, और वी कैन से लोअर केमिकल शिफ्ट किसको जाएंगी, ये समझना है। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ठीक से एनालिसिस कर रहे हो, थ्योरेटिकली कर रहे हो, तो वैल्यूज अगर आपके पास में, तो आप 90% जो है आप सक्सीड हो जाते हो। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, ये जो CH3 है बी वाला और ए वाला, बी वाला अल्फा कार्बन को अटैच्ड है, ए वाला बीटा कार्बन को अटैच्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये CHO, बताइए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि डोनेटिंग है? यस, CHO का क्या फंक्शन है? यस, ये माइनस आया बताता है कि प्लस आया बताता है? यस नेहा, माइनस वेरी गुड, इट शोज माइनस आए, यानी कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो सबसे पहले यहाँ से विड्रॉ करेगा, यानी कि अल्फा कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। फिर अल्फा कार्बन क्या करेगा, यानी कि CHO का सबसे ज्यादा इफेक्ट अल्फा कार्बन पे होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पर, राइट? याद रखिए ये बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इसको कौन अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। जब ये इस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल करेगा CH3 से। हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कहाँ तक होता है, तीन चार बॉन्ड तक चलता है। तो ये एक एक बॉन्ड ये हो गया, ये दूसरा बॉन्ड यहाँ आएगा, तीसरा ये, ओके तीसरा बॉन्ड ये यहाँ पर बीच में आएगा, और ये भी यहाँ तक इफेक्ट चलता है, फोर बॉन्ड्स तक चलता है, ओके और फोर बॉन्ड थ्री बॉन्ड थ्री बॉन्ड्स फोर बॉन्ड तक चलता है, बाद में इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो सबसे स्ट्रांग इफेक्ट कहाँ होगा, ये फर्स्ट बॉन्ड पे होगा, इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग विड्रॉ करेगा यहाँ से, इसलिए एल्डिहाइड के बाद में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होंगी वो डी की होंगी। देखो ये सब क्यों कर, उसके बाद में सी का नंबर लगेगा, देखो ये सी का नंबर लगा, क्योंकि वो बीटा कार्बन भी है, अल्फा के बाद बीटा, और CH2 है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा कार्बन है, अल्फा कोटा, लेकिन CH3 है, इसलिए वो सी से कम पर आएगा, और ए प्रोटॉन जो है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू हमको बताएंगे। दिस इज व्हाट अबाउट द एल्डिहाइड, ठीक है?
इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी आपको क्या याद रखना है, सुन लीजिए, ये याद रखना है, ये वाला बस, ठीक है। टिकीटून की बात करते हैं, कीटोन में कुछ इतना खास नहीं है, कीटोन में बस आपको याद रखना है हमने जो कहा है वो, कि कार्बोनिल का क्या है हाइब्रिडाइजेशन, पहले बोली कि कार्बोनिल का व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। यस गुफरान, मिस्टर गुफरान, SP2 वेरी गुड, SP2 है। तो हमने भी कहा कि जो भी SP2 को अटैच होता है, जो भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, CH3 ग्रुप, कोई भी बोलो, तीन ही रहेंगे, CH3, CH2 या CH, यहाँ पर CH2 आएगा, ये CH2 समझिए, ये CH समझिए, ये तो, ये इसको अटैच है, इसका मतलब इसकी रेंज क्या आएंगी, 2 to 2.5, याद रख लीजिए, 2 to 2.5 याद रख लीजिए, वहां रेंज आती है उसकी। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कुछ खास नहीं है। ये एक और एग्जांपल दिया है समझने के लिए, तो आप 1 मिनट देखिए गौर से इसको, जो हमने एल्डिहाइड को एक्सप्लेनेशन दिया उसी को इस पर, आप ये देखिए, इस पर ध्यान मत दीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए और सोचिए कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएंगी, सबसे कम किसकी आएंगी, यानी तीन CH3 इसमें, A B D, इन तीनों में सबसे लोवेस्ट किसकी आएंगी, वो इमेजिन करके बोलना है, सोचना है। ये आप स्पेक्ट्रम मत देखो, डोंट सी द स्पेक्ट्रम, मैं आपको ऐसा देखो, हाँ चलो, हाँ चलो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, चलो तो अब समझ में आता है, चलो अब यहाँ डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। सोचो हम आपको 1 मिनट दे रहे हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यस बताइए, हम एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसकी आएंगी, ये बता दीजिए, कौन से डी की, CH3A की, CH3D की, CH3B की, या ABCD, इस तरह बोलिए। यस गुफरान, गुफरान CH3A की सर, बिकॉज CH2 से वो अटैच है तो इसका वैल्यू जो रहता है वो कम रहता है। तो ये भी तो CH3 है, बी की क्यों नहीं आएंगी। यस सर वो CH यानी नंबर नेबरिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो उसके ऊपर वो अल्फा हाइड्रोजन है तो हम वैरी कर सकते हैं। ओके यस, और कौन बताएगा। नेहा, तस्लीमा, नेहा बोलो, बोलिए। यस, तो लास्ट क्वेश्चन, यस गुफरान, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएंगी, वेरी गुड, गुफरान ने सही कहा कि एक ही वैल्यू सबसे कम आएगी। अब आप बताइए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, बोलो गुफरान, तस्लीमा। तो सर अल्फा कार्बन की जो ई है ई यहां पर लेबल कौन सा है उसको, सर वी, वेरी गुड, सबसे कम, ये एक्सप्लेनेशन सही है, ई को सबसे कम है, मैं समझ में आ गया आपको, वेरी नाइस, और सबसे लोवेस्ट ए और सबसे हाईएस्ट ई, वेरी गुड, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्स की बात करते हैं, ईस्टर में कुछ ऐसा खास नहीं है, सिर्फ अल्फा कार्बन जो है ना वो कार्बोनिल को अटैच है, हमने पहले कहा कार्बोनिल sp2 कार्बन है, इसलिए उसकी रेंज जो होंगी 2 to 2.5, हमने कहा आपको, आप एक क्रूड वैल्यू याद रख लीजिए, क्या है क्रूड वैल्यू,
ऐसा CH3 ग्रुप या CH2 ग्रुप या CH ग्रुप, आई विल रिपीट द सेंटेंस, ऐसा CH2 ग्रुप और CH3 ग्रुप और CH ग्रुप जो कि sp2 कार्बन को अटैच्ड हो, उसकी जो सिग्नल है वो 2 to 2.5 आता है। ये sp2 कार्बन, वो कार्बोनिल का हो या एरोमेटिक का हो, कार्बोनिल बहुत सारे हैं, ईस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड है, बहुत सारे हैं। और अल्किन का भी अगर है sp2 कार्बन, अल्किन का भी अगर sp2 कार्बन है तो उसकी वैल्यू भी कहाँ आएंगी, उसकी वैल्यू भी एल्किन का sp2 जो कार्बन होता है अगर उसको भी अगर ऐसा ग्रुप अटैच्ड है CH3 CH2 CH, उसकी वैल्यू इसी रेंज में आती है 2 to 2.5। ईस्टर का फिर जो ऑक्सीजन है ना, हम देखते हैं ना ईस्टर फंक्शन ग्रुप में एक साइड में कार्बोनिल होता है, दूसरे साइड में दूसरे साइड में क्या होता है, दूसरे साइड में ऑक्सीजन होता है, राइट। ये ऑक्सीजन को जो ग्रुप अटैच्ड होता है, कार्बन ग्रुप की बात करेंगे ना हम, समझ लो CH3 होगा, CH होगा, CH2 होगा, ये बात है। तो ऑक्सीजन को जो ग्रुप अटैच होगा, ग्रुप तीन ही होंगे, याद रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन तरफ के ग्रुप्स होते हैं, CH CH2 CH, अल्काइल ग्रुप। तो याद रख लीजिए, ओके। तो वो ग्रुप अगर ऑक्सीजन को अटैच कर, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, जब हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप तीन ही रहेंगे, CH3 होगा, CH2 होगा या CH होगा बस। तो अगर वो ग्रुप ऑक्सीजन को अटैच है, जैसे कि इस तरह ने बताया, तो वो ग्रुप का प्रोटॉन 3 से 4.5 के बीच में जाता है, यू आर गेटिंग द पॉइंट, यस। वन मिनट, सो देखिए इसमें ये पॉइंट देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, यहाँ पर हमको अगर ये दो पॉइंट आप समझ गए ना, तो आपको 20% स्पेक्ट्रा समझ गया है हमारे स्पेक्ट्रम, यह मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए तो इससे दो पॉइंट समझे अगर आप, नंबर वन कि अगर ग्रुप sp2 कार्बन को अटैच हो, मैंने जो सेंटेंस बोला है, अगर ग्रुप sp2 कार्बन को अटैच हो, तो ग्रुप की मीनिंग क्या होंगे यहाँ पर, आप क्या समझेंगे, हम जब भी आगे डिस्कशन करेंगे, बोलो तस्लीमा, आप हो वहां पे तस्लीमा, व्हेन वी आर सेइंग कि ग्रुप, व्हेन ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन, तो ग्रुप की मीनिंग क्या लोगे आप तस्लीमा? Yes, sir. What do you think? आप उससे क्या लोगे मीनिंग? CH2 ग्रुप अटैच है, बस CH ग्रुप लोगे आप, CH2 भी बस, और CH3 आर, यस, तीन ग्रुप लोगे आप, CH3 आर नहीं, मैंने जो कहा उतने देखिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम बात कर रहे हैं कि सेंटेंस जब हमने लिख कर दिया कि व्हेन अ ग्रुप अटैच टू sp2 कार्बन, ये एक सेंटेंस है, तो ग्रुप क्या क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो हमको डाटा में मिलेगा, अभी हम कंबाइन प्रॉब्लम लेंगे तो हमको वो डाटा में मिलेगा जो गिवन रहेगा। तो अगर वो वैल्यू 2 या 2.5 के बीच में कोई आपको वैल्यू आ रही है, 2 to 2.5 कोई भी वैल्यू आ रही है गिवन डाटा में, इसका मतलब ये है कि वो जो गिवन वैल्यू है वो प्रोटॉन कहाँ किसको अटैच रहेगा, sp2 कार्बन को अटैच रहेगा, ये बात याद रखिए। एक तो वैल्यू आपने ले ली, दूसरी वैल्यू जो है वो है कि जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ये इसको अटैच है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को क्या अटैच है CH को, तो वो वैल्यू 3 से 4.5 के बीच में, मैं क्या कह रहा हूँ आपको क्रूड वैल्यू याद रखिए, एग्जैक्ट याद मत रखिए, आई एम टेलिंग यू 3.5 to 4.5, बस इतना 3 to 4.5, इसमें सब इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आ गए। अगर आपने ये दो वैल्यूज याद रखी है तो आपका 20% NMR स्पेक्ट्रम पर कमांड आ गया, 20% कमांड आ गया आप लोगों को।
कोई जरूरत नहीं है बड़े बड़े लेक्चर्स बुक्स पढ़ने की, बड़े बड़े वीडियोस देखने। नो नीड, आई एम टेलिंग यू, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर मेरा, आप कभी इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। आप कोई स्ट्रक्चर लेकर आओ मेरे सामने, कोई क्वेश्चन लेकर आओ, मुझे आप सिर्फ 3 मिनट दो, आई विल गिव यू करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का आंसर बोल दूंगा आपको, मैं ड्रॉ करके दे दूंगा। क्योंकि हमने ऐसे सीखा है, आई हैव नॉट गॉन टू स्पेशल वेज, हमने यही कॉमन अप्रोच। ये दो वैल्यूज जो है ना, ये दो वैल्यूज आपको बहुत आगे बढ़ा देती है। दो वैल्यूज याद रखिए। अब मैं इसको छुपा दिया मैंने, अब कौन बताएगा दो वैल्यूज के बारे में? बोलो। यस प्रीति, मैंने भी दो वैल्यूज की, हमने कहा कि अगर आपको दो वैल्यूज आती है तो आपको 20% एनएमआर स्पेक्ट्रम पर कमाल आ गया। तो बोलो दो वैल्यूज कौन सी है प्रीति? नेहा, आवाज ठीक है आपका? हर नेटवर्क इश्यू है। यस नेहा, व्हाट डू यू से? नो 1 to 2.5। हाँ तो बोलो ना नेहा, कंप्लीट स्टेटमेंट दो ना आप, बोलो। आप सब लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। रेवती, रेवती इज ऑल्सो देयर। मिस्टर ताबिश, दो वैल्यूज के बारे में बोलूंगे आप ताबिश। मिस्टर ताबिश, यस ओके फाइन, मैं रिपीट कर देता हूं, आपको ये समझना है। नंबर वन पॉइंट क्या है कि अगर कोई ग्रुप तो तीन ही ग्रुप है, तीन के ऊपर कोई इमेजिनेशन नहीं है, CH3 ग्रुप, CH2 ग्रुप या CH ग्रुप, अगर कोई ग्रुप sp2 कार्बन को अटैच्ड है तो वो ग्रुप के प्रोटॉन 2 to 2.5 आते हैं। सेकंड पॉइंट, इफ अ ग्रुप अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हेलोजन, उसकी रेंज 3 to 4.5 आती है। बस ये बात याद रखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखिए, ये बहुत आसान है, ये तो ईस्टर का एग्जाम्पल दिया है उसने, देखिए। अगर आप इसको इमेजिन करते हो, आप बताइए कि सबसे कम पे कौन सा, सबसे कम वैल्यू पे कौन सा ग्रुप आएगा? ABCD बोलो। यस यस गुफरान, नेहा, रेवती, बोलिए ना आप लोग, यू आर फ्री टू टेल, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू कौन सा ग्रुप आएगा। A will go to very lowest value, right? Very good. That's 100% right. और सबसे highest value किसकी आएंगी? बोलो। D sir. D. Very nice. Excellent. 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 Why? Can you give example? 100% you are right. Can you give? Sir, O को attach है sir. That's right. Electronegative atom. Yes. Who is that? Akshay or Tavish? अक्षय सर। वेरी नाइस, सी ये इसने सही आंसर दिया, वेरी गुड। सबसे हाईएस्ट है, समझ में आ रहा है? यस अक्षय, समझ में आ रहा है ना तेरे को? यस एम आई राइट? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डी वुड प्रोड्यूस हाईएस्ट वैल्यू बिकॉज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, एंड ए विल गो टू द वेरी लोएस्ट वैल्यू, राइट? वेरी गुड। तो मल्टीप्लिसिटी आपको पता है ना, मल्टीप्लिसिटी आपको पता है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो इसमें तुमको मैंने दो वैल्यूज बताया, अब तीसरी वैल्यू मैं बता रहा हूँ इसको आपको बताया मिस, इससे पहले एल्डिहाइड उस सब वैल्यूज आपको याद करना है। टोटल 10 वैल्यूज है, अगर आप टोटल 10 वैल्यूज याद करते हैं तो आपको स्पेक्ट्रम एनएमआर स्पेक्ट्रम में 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको 10% थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, लिसन टू मी केयरफुली। जो मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में वो 10 वैल्यूज भी दिया हूँ,
अगर वो 10 वैल्यूज आप याद करते हैं तो आपको, और हमने जो इनिशियल जो स्लाइड्स ली है ना, उस स्लाइड्स में मैंने बताया आपको कि अगर आप 10 वैल्यूज याद करते हैं तो 10 वैल्यूज में आपको 90% आपका प्रेमिस, तुम्हारा डाटा का वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 10% आपको सिर्फ क्या पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी कंसेप्ट, एनिसोट्रॉपी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट क्या है, वो सब आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ जाइए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो ये प्रोटॉन की है जो कि 11 से 12 के बीच में आती है। यानी अगर स्पेक्ट्रम में कोई प्रोटॉन आपको दिख रहा है कि 10 को पार कर दिया, 10 की उधर चला गया, 11 तक है, इसका मतलब ये है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन है। इसका मीनिंग ये होता है, यानी अगर गिवन डाटा में कोई सिग्नल दिया है सिंगलेट वन प्रोटॉन और वैल्यू दिया 11.2 या 10.8, यानी प्लस माइनस आप कर सकते हो, ओके, तो इसका मतलब यह है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बहुत डी शील्डेड होता है, याद रखिए, और वो एसिडिक होता है। एसिडिक मीन्स वो प्रोटॉन इजी टू कैन बी रिमूव, इजी टू गो, इट इज वेरी इजी फॉर दैट प्रोटॉन। ये प्रोटॉन जो है ना, ये बोल्ड में है, ये एसिडिक है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, इसलिए वो जल्दी छोड़ के जाएगा। ओके, फाइन, दैट्स ऑल। उसके बाद में जो अल्फा प्रोटॉन है जो कि COH को अटैच्ड है, कहां आएगा, अभी हमने बात की 2 to 2.5, ठीक है, 2 to 2.5। तो मैं आई विल रिपीट ओवरली अगेन, दो वैल्यूज आपने पहले याद किए हैं, एक वैल्यू एल्डिहाइड की है, तीन, फोर्थ वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड की है, चार, फिफ्थ वैल्यू जो है वो अल्कोहल अरामाइन की है, कहां पर है वो 0.525, पांच, एंड सिक्स्थ वैल्यू क्या आएंगी, सिक्स्थ वैल्यू अबाउट एरोमेटिक प्रोटॉन जो कि 7 से 8.5 के बीच में आते हैं, ये वैल्यूज आपको याद हो गई। और आठ, एट्थ वैल्यू क्या है, अल्कीन की प्रोटॉन जो कि 4.5 to 6 आते हैं, इसके बीच में आते हैं, ये एट वैल्यूज आप मोटे मोटे याद रखें। फिर फिनॉल की नाइन्थ वैल्यू है जो कि उसकी भी रेंज ऐसी होती है, कभी कभी वो 10 में 10 के अराउंड भी आता है। ये ऐसे 9 वैल्यूज हमारी हो गई है, एक वैल्यू हम और बोलते हैं, तो ओरली याद रखना है, ओरली याद रखना, ठीक है। ये कार्बोक्सिल, हाँ, ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ये देखिए कार्बोक्सिल एसिड में जो हाइड्रोजन होता है, जो प्रोटॉन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और उसकी रेंज जो है वो 11 से 12 के ppm के बीच में होती है, ठीक है, यस। अब देखिए इसमें एक एक्सेप्शन केस क्या है कि यू नो इनोलिक ओएच ग्रुप, ये इनोलिक ओएच ग्रुप जो होता है, ओके, ये इनोलिक ग्रुप होता है इनोल्स में, यू नो इनोल्स, इनोल्स मींस इट इज द टॉटोमर ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड एज वेल एज प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स, जिनमें प्राइमरी प्रोटॉन होता है वो जो है इनोल में जाते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन है वो कहां जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन दैट गोज टू दी 11 to 12 ppm, ये रेंज में जाता है ये प्रोटॉन, ठीक है। और बाकी कोई प्रोटॉन नहीं जाता है, लेकिन ये इनोलिक प्रोटॉन भी रिपोर्टेड है कि उस रेंज में जाता है जिसके पास स्ट्रॉन्ग इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ओके। यानी दो प्रोटॉन्स है जो कि 11 से 12 के बीच में जाते हैं, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में बाकी कोई प्रोटॉन नहीं है जो यहाँ इतने लेवल पर जाता है। एक प्रोटॉन कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और दूसरा प्रोटॉन वो इनोलिक प्रोटॉन है, ये बात याद रखिए, ठीक है, यस, ओके। ये आपको दो पॉइंट है, लेकिन ये इनोलिक कंपाउंड्स बहुत कम बनते हैं, आपको मैक्सिमम केसेस में वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही देते हैं, याद रखिए। जब भी आपको कोई पीक मिलती है, अ पीक इन दिस रीजन, इन दिस मीन्स 11 से 12 के बीच में, इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना स्ट्रॉन्ग अप्रोच है ये, आपको मोटे मोटे वैल्यू याद रखना है, क्रूड वैल्यूज, एंड यू विल गेट द वेरी नाइस आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर। अगर आपको 11 से 12 के बीच में आप पीक इन दिस रीजन इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सिंस द कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन
हैज नो नेबर्स, यानी कार्बोक्सिलिक को नेबर नहीं है क्योंकि ये एच ओ को अटैच्ड है. इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, अगर आप डैश लाइन फार्मूला बनाते हो, यू विल फाइंड दैट देयर इज नो नेबर टू हाइड्रोजन, देयरफॉर ये सिंगलेट अपीयर होता है और ब्रॉड पीक आती है, बिकम अ ब्रॉड ब्रॉड ब्रॉडेंड, ओके, वेरी ब्रॉड पीक, ओके, अनस्प्लिट होता है वो. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सचेंज में आता है, एक्सचेंज हाइड्रोजन एक्सचेंज में जाता है, ओके, देयरफॉर लो इंटेंसिटी भी आती है, ओके. तो प्रोटॉन जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये बहुत पर्टिकुलर है, वेरी यूनिक केस है. नंबर वन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 11 से 12, याद रखिए, इतनी हाईएस्ट वैल्यू किसी भी प्रोटॉन की नहीं आती, ये बात याद रखिए, ओके. सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है, ये एक्सचेंजेबल है, ये प्रोटॉन एक्सचेंजेबल है, बहुत फास्ट एक्सचेंज होता है, इसलिए इसकी लो इंटेंसिटी मीन्स द टाइम रिकॉग्निशन बाय द इंस्ट्रूमेंट, या इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी से जो रिकॉग्निशन उसको होता है, वो बहुत, उसका जो टाइम रुकने का जो टाइम होता है, ओके, टाइम डिले, ओके, और द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रेडियो वेव टू सेंस दिस प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी, वो बहुत बहुत कम रहता है, इसलिए फास्ट एक्सचेंज होता है, इसलिए इस प्रोटॉन की इंटेंसिटी भी बहुत लो होती है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको कोई नेबर नहीं है, इसलिए ये सिंगलेट आता है और थोड़ा ब्रॉडन आता है, ओके. अब अल्कोहल्स की हमने देखा था बात, अल्कोहल्स और अमाइंस की, कि वो जिस तरह डी टू से एक्सचेंज होते हैं, तो डी टू में कंपाउंड को लेते हैं, इफ यू टेक द कंपाउंड इन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डी टू ओ का डी एक्सचेंज होता है, सी ओ डी बन जाता है, यू सी दिस इक्वेशन, दिस कॉल्ड एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज, ओके, आर सी ओ एच प्लस डी टू ओ, डी टू ओ मीन्स ड्यूटेरेटेड वाटर, तो प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ और वहां का सिग्नल डिसअपियर हो जाएगा. जब ये बन जाएगा सी ओ डी, ये 12 का जो सिग्नल है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का सिग्नल ये इसका, ठीक है. अब ड्यूटेरियम इज, तो ड्यूटेरियम क्या है, दिस इज द इनएक्टिव, नहीं हमारे एक्टिव, ठीक है. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में है. सिमिलरली ये जो आप डी टू है तो वो भी चेंज कर सकते हो, और कभी कभी आप NaODe भी यूज कर सकते हो, सोडियम डिट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड. एक्चुअली होता क्या है, जो ये पैराग्राफ पर नजर देखिए आप डालिए, होता ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, दे आर ऑफन इनसोल्युबल इन सीडी सेल, एंड देयरफॉर इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिटरमाइन देयर स्पेक्ट्रा इन D2, बिकॉज दे आर सोल्युबल इन D2, ओके. सो व्हाट हैपन इन मेनी केसेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम मेटल इज ऑल्सो एडेड, that sodium metal will interact with D2 and form sodium hydroxide. Means that is basic solution, NaOD and D2O. That will remove this proton and making the soluble salt of the acid. Okay? When it is done, when this technique is employed, the COH peak will be disappear from that region. और जब कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ये प्रोटॉन की पीक वहां नहीं मिलती है, ये बात याद रखिए, ठीक है, फाइन. और नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि वो अल्फा कार्बन जो इसको अटैच्ड है, उसकी पीक कहाँ आती है, 2 to 2.5. ये देखिए, ये सबसे हाईएस्ट पीक जाएंगी, देखिए ये इधर नहीं बताया है इसने, ऑफसेट में कितना ऐड कीजिए, 2.7 pm, मैंने 2.7 मीन्स अलाउंड दिस लेफ्ट साइड में आप ऐड करोगे, ये डी प्रोटॉन इधर चला गया, यहाँ 10 तक ही बताया, 10 के बाहर गया, इसकी वैल्यू नहीं बताया, ये दिस रिमेनिंग वैल्यू दे हैव शोन, सी इज ट्रिपलेट, देन बी इज मल्टीप्लेट और क्विंटेट, एंड एफ दिस इज ट्रिपलेट, तो वेरी सिंपल आइडिया वी हैव गॉट फ्रॉम दिस डिस्कशन.
नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो अमाइड की बात होती है. अमाइड जो है, दीज अमाइड्स आर अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड टू स्टडी. इसमें कुछ स्पेशल खास नहीं है, वही है. अगर कोई ग्रुप अल्फा कार्बन, अगर sp2 कार्बन को अटैच दो, ये अमाइड ग्रुप को अटैच दो, उसकी रेंज जो है ये होती है. ओके, बस इसमें ज्यादा नहीं. और जो अमाइड का एच होता है उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, 5 to 9, बहुत ज्यादा रेंज होती है उसकी. इसलिए अमाइड को NMR से ज्यादा IR से कंफर्म करते हैं. NH2 की पीक जो है, या अमाइड का जो NH है उसकी पीक कहाँ आती है, IR स्पेक्ट्रम में अबाउट 3000 की रेंज में आती है. तो बहुत सारे कंपाउंड्स जो है हम फंक्शनल ग्रुप्स जो है IR से चेक करते हैं, और मेनी कंपाउंड्स कैन बी डिटेक्टेड वेरी इजीली बाय यूजिंग प्रोटॉन NMR टेक्निक. तो अमाइड का इतना खास डिस्कशन नहीं है, आप उसको फिर भी ये तो आपको याद हो गया है, ये अमाइड का NH का वैल्यूज जहन में रखिए, बट नॉट नेसेसरी, राइट? ओके. और ये कपलिंग कांस्टेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये 1J कपलिंग जो है अमाइड में, 1J कपलिंग इज इंपॉर्टेंट. ये डायरेक्ट ये H और ये क्वाड्रोपोल स्प्लिटिंग, राइट? ये क्वाड्रोपोल मूवमेंट से जो है ना नाइट्रोजन इससे कपल होता है N+1 रूल, और बहुत ज्यादा 50 हर्ट्ज की वैल्यू आती है. जैसे कि हमने फ्लोरीन का देखा था, फ्लोरीन और NH और FH दे गिव यू ये 1J कपलिंग एंड इट इज देयर. ओके, 2J कपलिंग भी ऑब्जर्व होता है, ये नाइट्रोजन का प्रोटॉन और CH का प्रोटॉन, तो वो 2J कपलिंग और 3J जनरली जीरो होते हैं, मींस दे कपल बट दे डू नॉट स्प्लिट, देयरफॉर जीरो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाइट्रो एल्केन्स की बात होगी. नाइट्रो एल्केन्स में एक ही वैल्यू है, और वही डिस्कशन है जो हमने रिपीट हो रहा है कि नाइट्रो ग्रुप इज, याद रखिए जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें नाइट्रो इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है. व्हेन इट इज फाउंड टू बी अ, व्हेन इट इज लेबल्ड एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देयरफॉर इसको जो भी प्रोटॉन वाले ग्रुप अटैच होंगे, जो कि तीन ही ग्रुप्स होते हैं प्रोटॉन वाले ग्रुप, कौन से, मिथाइल ग्रुप, मिथिलीन ग्रुप एंड मिथिन ग्रुप, तीनों ग्रुप्स जो है अगर अटैच्ड है नाइट्रो ग्रुप को, ये नाइट्रो अटैच्ड है इन तीनों में से किसी को, तो उसकी रेंज कहाँ जाती है, 4 to 4.5, याद रखिए. आपने अगर वो मोटी मोटी बात याद रख लिया 3 to 4.5, तो सब इसी में आ जाते हैं. ये हो गया नाइट्रो की बात, एग्जाम्पल दिया है अमाइड की. ये डी प्रोटॉन हमने पहले कहा कि ये बहुत ऐसे रेंज में जाता है. अब दो आ रहे हैं, यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो सिग्नल्स की मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है ये जो दो प्रोटॉन्स है वो अलग अलग है, दे आर नॉट सेम, उसे कहते हैं डायनेमिक NMR. हम देखेंगे है आपको डायनेमिक NMR, वो मे बी आई थिंक नेक्स्ट ईयर में है डायनेमिक NMR. ओके, बाकी प्रोटॉन्स हमको पता है, इनकी स्प्लिटिंग भी हमको पता है, और कौन नजदीक जाएगा कौन दूर जाएगा NMR स्पेक्ट्रम में हमको बहुत इजीली आता है. फाइन, यस. ये देखिए नाइट्रो कंपाउंड्स की बात है, डी के प्रोटॉन सबसे ज्यादा रहेंगे और इफेक्ट कम होता जाएगा, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू पे ये ए आएगा एज ए ट्रिपलेट. तो ये अमाइड नाइट्रो कंपाउंड, दीज आर वेरी सिंपल टू गेट, लेकिन ये कंपाउंड कहाँ से मालूम होते हैं आपको, बेस्ट IR से मालूम होता है ये फंक्शन. अब ना प्रॉब्लम्स की बात करते हैं. हमने ये बुक आपको सबको दी है, अगर किसी को बुक नहीं है तो आप बोलिए हम उसको बुक दे देते हैं, और देते हैं हम आपको, या ये तो हमने अपलोड भी किया क्लासरूम पर, अगर किसी को चाहिए बुक तो मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ, मुझे मैसेज कीजिए. और ये आपको प्रॉब्लम, क्योंकि सबको ये बुक पढ़ना है, मैंने पहले शुरू में कहा, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर ये बुक पढ़ते हैं आप पूरी बुक अच्छे से, देखिए हमने अराउंड 100 pages पर डिस्कस कर लिए, तो बहुत से लोगों को 50 pages समझ में आएगा, किसी को 70 समझ में आएगा, किसी को 80 pages, किसी को 10 pages, लेकिन हमने बुक्स, आपने बुक्स से शुरुआत की है, देयर इज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर यू. ये क्वेश्चन नंबर दिया है इसने 1, 2 लाइक दिस, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. व्हाट आर द अलोड न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको लिखना है नाइट्रोजन की कितनी है, कार्बन 13 की कितनी है, हाफ बोलते हैं अलोड स्पिन, ऑक्सीजन की कितनी है. तो हमने इन द बिगिनिंग आपको इसकी वैल्यू बताई थी, आई वैल्यू, वो शुरू के लेक्चर्स में देखिए आप,
पीपीटीज में या इस बुक के भी पेजेस में दिया है, कुछ वैल्यूज का डायग्राम दिया है, यानी एक टेबल में दिया है, ओके, तो वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये भी आप, हमने देखा था कि किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला डेल्टा से यूज करके, ये प्रॉब्लम्स आपको करना है। ये तो आपको आ जाएंगे, मेन पॉइंट शुरू हो रहा है ये यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी आ जाएगा आप लोगों को, ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन 13-14, ये 14 क्वेश्चंस में फार्मूला दिया है, स्पेक्ट्रम दिया है, और यही चैलेंज है पहला तुम लोगों के लिए कि हाउ विल यू डिड्यूस द स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम और ये फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 14, अब आप इमेजिन करो, यहाँ सोचो, हम आपको 5 मिनट दे रहे हैं सोचने के लिए कि C4H8O2 में ये 3 सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको, तो कंपाउंड क्या हो सकता है? तो सबसे पहले क्या करना है पता है हमको? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है। यू नो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, पता है ना आप लोगों को? हाँ, यस सर। तो कितना आएगा इसका, पहले वो बोलना है। अच्छा, वो तो आप बोलोगे, वो एक आएगा उसका, है ना, एक आएगा, दैट्स वेरी इजी। कैसा एक आएगा बोलिए, बुद्धि कितना लॉजिक है यहाँ पर, कुछ याद मत रखो आप, सिर्फ समझ लो और उसको अप्लाई करना। देखो इसमें कितने कार्बन है फॉर्मूले में, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए कितने प्रोटॉन्स होते हैं एल्केन में? यस, एनीवन? यस मिस्टर गुफरान, 4 कार्बन वाला टेन प्रोटॉन, वेरी गुड, 10 प्रोटॉन। तो वो हो गया पैरेंट हाइड्रोजन और पैरेंट एल्किन के हाइड्रोजन। यानी हमको कैसे निकालना है, आप फार्मूला याद मत रखिए, डोंट रिमेम्बर द फार्मूला, फार्मूले कितने याद रखेंगे आप सिर्फ क्या करो, इसका लॉजिक देखो क्या है। केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक्स। 4 कार्बन को 10 प्रोटॉन, यानी वो आपका मेन नंबर प्रोटॉन, अगर अगर इसमें 10 प्रोटॉन होते इस कंपाउंड में, तो इसका मतलब ये कि ये कंपाउंड जो होता सैचुरेटेड होता, सब सिंगल बॉन्ड होते, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। लेकिन इसमें 10 प्रोटॉन है क्या, बोलो? यस, नहीं है सर। कितने प्रोटॉन है इसमें? 8 है। यानी कितने कम है गुफरान? 2 प्रोटॉन्स कम है, वेरी गुड, 2 प्रोटॉन्स कम है, वेरी गुड। यानी 2 हाइड्रोजन कम है, वेरी नाइस। यस, जब 2 हाइड्रोजन कम है तो वो किसका फॉर्मूला होता है, CnH2n-2 या CnH2n+2 से CnH2n बने, वो अल्किन हो जाता है, राइट? लेकिन अल्किन नहीं, इसका मतलब हम इसके सेंस से बोलेंगे उसको कहेंगे हम कितने डबल बॉन्ड पॉसिबल है। तो ये जब 2 हाइड्रोजन से कम है, यानी यहाँ पर 10 चाहिए था, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कि 2 हाइड्रोजन कम है। जब 2 हाइड्रोजन कम होते हैं तो उसे कहते हैं 1 अनसेचुरेशन, यानी कि 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, 1 पाई बॉन्ड, उसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, जो भी वैल्यू। अब इसमें हम 2 वैल्यूज आ गई है, 10 में से 8 गए, बचे 2 मीन्स दैट इज अ 1 पाई बॉन्ड। क्योंकि हमको पता है जब 1 पाई बॉन्ड बनाना होता है हमको, तो उसमें हमको 2 हाइड्रोजन निकालना पड़ता है। जैसे कि अल्केन टू अल्किन जब आते हैं हम, CnH2n+2 अल्केन का फार्मूला है, एंड CnH2n इज द अल्किन फार्मूला। अब अल्किन में आपको और 1 पाई बॉन्ड डालना है तो -2 करते हैं, इसमें समझ में आ रहा है आपको, 2 हाइड्रोजन यानी 1 बॉन्ड। इसमें कितने हाइड्रोजन बाकी है, इसमें बाकी है 2 हाइड्रोजन लेस, देयरफॉर इट इज अ 1 पाई। तो अब हमको ये समझना है कि वो पाई बॉन्ड क्या हो सकता है, कार्बोनिल का हो सकता है या कार्बन का हो सकता है, ठीक है, तो हमको स्पेक्ट्रा से मालूम होगा। आप बताइए इंटीग्रल 3 यानी कितने प्रोटॉन्स, ये काउंट करो, 3 और 3 कितने इंटीग्रल हो गए, 6 और 6 और 2 8, कितने इंटीग्रल्स, टोटल 8 इंटीग्रल्स, टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 प्रोटॉन्स। तो इंटीग्रल कितने, इंटीग्रल का सम कितना आया है? यस, ऑल ऑफ यू फास्ट टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ इंटीग्रल, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। तो जितना इंटीग्रल्स का वैल्यू आया है उसको 8 से डिवाइड करो आप, देखिए हम कितना अच्छा अप्रोच बता रहे हैं आपको, यानी आपके खुद के भी क्रिएशन रहेंगे, क्रिएटिव आइडियाज रहेंगे। लेकिन ये वन ऑफ द आइडियाज है कि टोटल इंटीग्रल्स की वैल्यू 8 है,
प्रोटॉन्स भी 8 है, तो टोटल इंटीग्रल्स डिवाइडेड बाय द गिवन प्रोटॉन इन द फॉर्मूला, सुनिए मेरे, सम ऑफ द इंटीग्रल्स, टोटल इंटीग्रल्स डिवाइडेड बाय गिवन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कितना आएगा, इक्वल टू क्या आया बोलो आंसर, 1 unsaturation. वेरी नाइस इसका नो वो तो आंसर हो गया, 1 अनसैचुरेशन हो गया, दैट इज वी हैव डन, वो आपने निकाल दिया। अब हम निकाल रहे हैं कि इस सेट में कितने प्रोटॉन्स है, इस सेट में कितने प्रोटॉन्स है, इस सेट में कितने प्रोटॉन्स है, आपको अनसैचुरेशन का फार्मूला आया है, अनसैचुरेशन का फार्मूला आया है, आया है फार्मूला कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अनसैचुरेशन, तो व्हाट इज द हाउ मेनी अनसैचुरेशन यू गॉट हियर, 1 अनसैचुरेशन, तो वो हो गया। अब वो अनसैचुरेशन क्या रहेगा हमको आगे मालूम होगा, अभी हम नहीं बोल सकते, ठीक है, हमने सिर्फ डाटा निकाला है ओवरऑल, वो अभी हमारे पास डाटा आ गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेज, कि हमने देखा है कि तीन पीक्स है राइट, तीन पीक्स स्प्लिट हुए हैं, राइट, तीन पीक्स स्प्लिट हो गए हैं, वो हमने देखा है कैसे स्प्लिट हुए हैं, ट्रिपलेट, ये सिंगलेट और ये क्वार्टेट, ट्रिपलेट, सिंगलेट और क्वार्टेट, यस, ये तीन सिग्नल्स मिले हैं हमको, सिंगलेट, ट्रिपलेट और क्वार्टेट, ये तीन सिग्नल्स मिले हैं, ओके, अब आप बताइए कि आप ये क्वार्टेट, ट्रिपलेट, सिंगलेट मालूम हो गया हमको, अब तीन सिंगलेट है यानी कि इसमें तीन सेट ऑफ प्रोटॉन्स होंगे हमको ये मालूम है, अब वो तीन सेट ऑफ प्रोटॉन में हमको 8 हाइड्रोजन डिवाइड करना है, यानी हमको ये मालूम हुआ कि टोटल हाइड्रोजन 8 है, तीन सेट ऑफ प्रोटॉन्स है, लेकिन हर सेट में कितने प्रोटॉन्स है हमको ये मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे हर सेट में, तो पहले इंटीग्रल की वैल्यू करो, मालूम करो, इनका सम करो, कितना आ गया सम, 8 आ गया सम, टोटल इंटीग्रल्स डिवाइड बाय गिवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, आंसर क्या आया, यस फास्ट, सम ऑफ 1 आंसर आया, इसका मतलब क्या सुन लीजिए, इसका मतलब ये है 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 इंटीग्रल, आपके पास ये पेन और पेज होना चाहिए, यू फर्स्ट राइट फुल नोट्स, इसका मतलब 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 इंटीग्रल, 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 इंटीग्रल, सो 2 प्रोटॉन इज इक्वल टू हाउ मेनी इंटीग्रल, 1 प्रोटॉन की वैल्यू है 1 इंटीग्रल, ये 1 इंटीग्रल की वैल्यू है 1 प्रोटॉन, ऐसे समझिए आप, तो मुझे बताइए यहां कितने इंटीग्रल है, 2, ये मैंने जो हाईलाइट किया है 3, इसका मतलब ये कि यहाँ 3 प्रोटॉन्स है, ये इंटीग्रल 3, इसका मतलब क्या है, 3 प्रोटॉन्स, यानी ये क्या हो गया फिर CH3, और ये क्या है बोलो, CH2, अब ये CH2 क्या दे रहा है, ये क्लियर हो गया आपको, अभी CH2 क्या दे रहा है यहाँ पर, क्वार्टेट दे रहा है कि ट्रिपलेट दे रहा है कि सिंगलेट दे रहा है, इसका मतलब CH3 को क्या अटैच होना चाहिए, इन नेबरिंग प्रोटॉन होना चाहिए, वेरी गुड, तो CH2 को अटैच CH3 है, यानी आपने CH2 बनाया, उसके राइट साइड में CH3 बॉन्ड बनाया, लेफ्ट में क्या होना चाहिए, ये 4 की वैल्यू बता रहा है, यानी लेफ्ट में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आना चाहिए, बराबर, तो ऑक्सीजन अटैच है उसको, ऑक्सीजन अटैच हो गया, राइट, अब ये CH3 किसको अटैच होना चाहिए, कि जो 2 पर आना चाहिए वो होना चाहिए sp2 कार्बन को, और वो कार्बोनिल है, और वो कार्बोनिल है, तो क्या हो गया आपको, आप बनाओगे ये CH3 आ गया आपको, उसको बॉन्ड CH3 के बाद में बॉन्ड CH2 के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन, उसको फिर बॉन्ड बनाकर कार्बोनिल, और लास्ट में क्या आएगा, CH3 आएगा। अब मुझे बताइए ये जो CH2 है इसको कौन सा मिथाइल अटैच है, ये सिंगलेट वाला अटैच रहेगा कि ट्रिपलेट वाला अटैच रहेगा, यस फास्ट, सिंगलेट वाला,
यस नेहा, सिंगलेट वाला अटैच रहेगा तो सिंगलेट वाला उसको कपल नहीं हुआ क्या? एक दूसरे को कपल होती है ना, वो एक दूसरे को कपल होंगे, यानी कि आप बोल रहे हो सिंगलेट वाला अटैच रहेगा, यानी ये इससे कपल होगा, वो उससे वापस कपल नहीं हुआ क्या? यस वी आर गेटिंग और नॉट? नो सर। ये जो CH2 है, ये जो CH2 है, ये अटैच रहेगा ये CH3 को, क्योंकि ओके आई विल शो यू स्ट्रक्चर। ये कपल होगा इससे, ये कपल होगा इससे, यू सी नाउ आई विल शो यू हियर नाउ कि हम ड्रॉइंग बताएंगे आपको। ये देखो दिख रहा है आपको कि हम ड्रॉ का दिख रहा है पेज? यस यस यस। देखिए हम आपको बताते हैं अभी, ताकि आपको आइडिया। Now you see, I will draw here. ये देखिए, ये है वो structure. ये देखिए, ये जो CH2 है, जैसा आपने कहा मिस्टर गुफरान, ये किसको अटैच्ड है? ऑक्सीजन को, बराबर है ना? और ये CH3 इधर एक किसको अटैच है? CH3 को अटैच है, बराबर है, मैं राइट और रॉन्ग? तो जब ये CH3 से कपल होगा तो ये किससे कपल होगा? ये CH3 किससे कपल होगा? यस मदीहा, नेहा, ये CH3 किससे कपल होगा? हाँ, तो वो क्या देगा कपल होकर, बोलो? ट्रिपलेट, समझे ना? और ये क्या देगा? ये क्या देगा? सिंगलेट या ट्रिपलेट? क्या देगा सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट? ये क्या देगा? सिंगलेट, सिंगलेट देगा, दैट्स ऑल। समझो क्या अभी गुफरान? यस सर। ये देखो अभी और बताते हैं, ये देखो ऐसी आया ना हमारा, ये कॉर्टेड है, ऐसी आया ना स्पेक्ट्रम हमारा, ये CH3 का बराबर ही आ रहा है, आपने जो कहा देखो ये हाईलाइट हो रहा है ग्रीन बॉक्स में। फिर ये जो है ये CH3 कहाँ जाएगा? ये सबसे कम और ये सिंगलेट आएगा जो अभी हमने देखा है। ये देखो, गॉट इट? समझा तुम लोगों को? दैट्स ऑल। ये आप, ये जब तक आप इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आई नो आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, मुझे बात इस बात की पूरी खातरी है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, कोई नहीं पढ़ रहा है ना, तो लेकिन तुम पढ़ाई करो कम से कम, तुम्हारे खुद के करियर के लिए ये। ओके सो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, ओके ये 18, 19, 20 और ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो 27 क्वेश्चंस है इसमें। तो लेकिन हमारे कहाँ से शुरू हुआ स्पेक्ट्रा का प्रॉब्लम? वो शुरू हुआ है 14 क्वेश्चंस से, तो 27 माइनस एंड टोटल 15 क्वेश्चंस है। अगर तुम इसको 15 क्वेश्चंस को सक्सेसफुली करते हो अटेम्प्ट, और अगर मुझे ये अपलोड करके भेजते हो, आई विल क्रिएट द लिंक फॉर यू, या मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, सॉल्व कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा कि इसको कैसा हम, अगर आपको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो TY की बुक में तो अवेलेबल है, इस बुक में भी दिया है, लेकिन TY में बहुत एकदम लो लैंग्वेज में दिया है, सिंपल लैंग्वेज में दिया है कि उसको हर एक समझ सकता है। तो मुझे ये बोलना है 28 क्वेश्चन है इसमें, अगर 28 में से क्वेश्चन कहाँ से शुरू है, 15 से शुरू है, तो 15 क्वेश्चन है जो स्पेक्ट्रा बेस्ड है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको ये आ जाता है 15 क्वेश्चन, इसका मतलब आपको स्पेक्ट्रा का पूरा आइडिया आ गया है, NMR स्पेक्ट्रम, प्रोटॉन NMR, पूरा आइडिया गया है। इसका जो सेकंड चैप्टर है वो एडवांस लेवल है, वो है वही सेम वही है लेकिन कार्बन 13 के बारे में हम देखेंगे, ठीक है? कार्बन 13 स्पेक्ट्रा,
इंक्लूडिंग हेट्रो न्यूक्लियर कपलिंग विद अदर न्यूक्लियर। तो कार्बन 13 लेंगे हम। अब वो 13 में से जो हमने आपको बताया यहाँ पर, ये सबको सॉल्व करना है, ओके। दिस इज योर असाइनमेंट, जो इंटरनल मार्क्स 30 है ना इस पेपर के, वो समझिए यही है। ऑल ऑफ यू सी लिसन केयर। और आपको क्वेश्चन नंबर डालना, ये जो है ना ऐसा क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम पाविया, ये बुक है पाविया, इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फ्रॉम पाविया कर दो, ये आपको क्वेश्चन लिखना है। स्पेक्ट्रा मत लिखो आप, ये लिखो रिफर स्पेक्ट्रा फ्रॉम पेज नंबर 165, ऐसा, ओके ऐसा करो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा आपको कहाँ से करना है, पूरे क्वेश्चंस करना है, ओके पूरे क्वेश्चंस। अगर नहीं आ रहे यू आस्क मी, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उसको कैसा करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कि पूरे क्वेश्चंस नहीं, आपको 10 भी किया, अगर आप जिसने पूरे किया हो तो 100% उसको पूरा आइडिया आ जाएगा। अगर आप में से किसी ने इसमें 10 क्वेश्चंस भी किए, 10 क्वेश्चन कंपलसरी है सभी को मिनिमम 10, तो उसको पूरा इस पर आइडिया आ जाता है, इसके बारे में मुझे पूरी गारंटी। देखिए तो आपको कहाँ से लिखना है, करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ। एक तो हमने आपको बता दिया है, तो ये 14 क्वेश्चंस भी कीजिए आप, हमने बताया ना आपको, ये भी कीजिए, चलो इससे आपको आगे की मेहनत आएगी। ये क्वेश्चन नंबर लिखिए, बुक का नाम लिखिए, रेफरेंस पेज नंबर लिखिए बस, और स्पेक्ट्रा मत ड्रा करो, ये राइट रिफर स्पेक्ट्रा फ्रॉम पेज नंबर 156, ये आपको आना ही चाहिए। और ये आना कर आप मुझे भेजिए, और आपके बुक में आपको तैयारी करना है। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, वो इंटरनल मार्क इसी पर है 30 मार्क, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ने दिया है, ओपन बुक एग्जाम भी है, तो ये ओपन बुक एग्जाम ही चाहिए, ओके 30 मार्क्स के लिए दिया हूँ इंटरनल मार्क्स, देखो आप। यस आई एम टेलिंग यू ऑल। तो तुम लोगों को पहले क्वेश्चन नंबर 14 बनाकर मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे, और मैं चेक करूंगा, और आपको पूरे क्वेश्चंस करना है ये 14 से 28 तक, और वो आपको फिर अपलोड करना है कि आप कभी भी देख सकते हो गूगल क्लासरूम, एनी टाइम 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो रहेगा गूगल क्लासरूम, आप उसके मेंबर बने रहोगे, हम डिलीट नहीं करेंगे ग्रुप को, ठीक है। लेकिन आपको आना चाहिए, तो पहले ये क्वेश्चन आप मुझे भेजेंगे, मैं उसमें देखूंगा करेक्शन क्या है, कैसे करना है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन, हम कल से कार्बन 13 की बात करेंगे। आई होप सबको समझा होगा, राइट। आपके जो भी, देखो आप जब तक इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं आने वाला, ये बात याद रखें आपको।